जी आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल का जो दौर चल पड़ा है उसमें से गजल जो है लोग भूलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इस दौर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ा खूबसूरत दौर है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि हम जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो गजल आजकल पॉपुलर है, कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियों में, मिडिल एज आदमियों में, मतलब तो गजल जो है वो यंगर जनरेशन में आ गई है। अभी जो हमारी सुनने वाली ऑडियंस है वो 30, 40, 50, 60, मतलब इस उम्र से शुरू होती है। तो छोटी उम्र के जितने भी जो स्कूल और कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां हैं उनको गजल का बहुत शौक है। कभी कभी ऐसी फरमाइशें आती हैं कि भी हम हैरान हो जाते हैं कि भाई ये इस उम्र में ये लोग इस टाइप की फरमाइशें करते हैं, तो मतलब गजल बड़ी पॉपुलर है। हम भी क्योंकि जैसे कि काफी लोगों का ऐसे पता नहीं चलता कि गाना सुनने के बाद अच्छा ये गजल है, जैसे किसी नजर को तेरा, बुकी अभी बता रहे थे किसी नजर को तेरा, हसन पवन साहब की लिखी हुई है बहुत ही खूबसूरत वो गजल है, गजल है लेकिन उसको डुएट की शक्ल में फिल्मों में दिया है, किसी नजर को तेरा बहुत इंतजार ही अच्छी आती है गजल लिखी हुई है। कहाँ हो तुम, ये जो गजल तो लोग सुनने के बाद अच्छा ये गजल होती है, बोल जो है वो लोगों तक पसंद है लेकिन पता नहीं ये कौन से जॉनर है। तो जो गाने हैं उसके अंदर कोई इनोवेशन किया है ताकि यंगर जनरेशन को भी पसंद आए वो गजल कंपोजिशन में? यस, काफी है, कंपोजिशन हम लोगों ने तो में बहुत जितने कंपोजिशन है उनको ध्यान में रखते हुए, हालांकि ये दिल की जुबान है, ऐसा नहीं कि उनको कैटर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं हमें दिलों को छूती है और तो ही उनको भी अच्छा लगता है। जैसे जैसे कि कि शमा जलाए रखना जब तक कि मैं ना आऊं, सांसें बचाए रखना जब तक कि मैं ना आऊं, बहुत ही पॉपुलर है और हालांकि ऑलरेडी फरमाइश बहुत आ रही है तो हम लोग भी सुनाने जा रहे हैं। अच्छा, फरमाइश बहुत सारी आ रही है तो हमारी तरफ से भी फरमाइश है कि दो दो लाइन अगर आप दोनों गुनगुना दें हमारी ऑडियंस के लिए। गुनगुनाए, ठीक है। राहों पे नजर रखना, होठों होठों पे पे दुआ दुआ रखना, राहों राहों पे नजर नजर रखना, रखना होठों होठों पे पे दुआ दुआ रखना, आ जाए जाए कोई कोई शायद शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा मेरा आखिरी ये सवाल होगा कि ये रंगे गजल और किस किस जगह पे आप लोग करने जा रहे हैं, कौन कौन सा शहर चुन रखा है फिलहाल? हमने अभी फिलहाल बॉम्बे से शुरू किया है, ऑल ओवर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, वेस्ट बंगाल, अहमदाबाद, सब जगह। थैंक यू सो मच।